और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरयू घाट से लगातार आपको फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन हम दिखा रहे हैं, खबरें आपको बता रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, वो ये कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों का सपना पूरा होने जा रहा है और कई संघर्षों के बाद ये सपना पूरा होने जा रहा है। कोई बाबरी मस्जिद को गुलामी का प्रतीक मोहन भागवत बताते नजर आए तो बड़ी खबर। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोहन भागवत का अहम बयान सामने आया और कहा है कि कई वर्षों का ये सपना है जो अब पूरा हो रहा है और मंदिर बनना खुशी की बात है, संघर्षों के चलते ही ये सपना आज पूरा हो पा रहा है। तो देखिए एक तरफ मकर संक्रांति के और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरयू घाट से लगातार आपको फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन हम दिखा रहे हैं, खबरें आपको बता रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, वो ये कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों का सपना पूरा होने जा रहा है और कई संघर्षों के बाद ये सपना पूरा होने जा रहा है। कोई बाबरी मस्जिद को गुलामी का प्रतीक मोहन भागवत बताते नजर आए तो बड़ी खबर। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोहन भागवत का अहम बयान सामने आया और कहा है कि कई वर्षों का ये सपना है जो अब पूरा हो रहा है और मंदिर बनना खुशी की बात है, संघर्षों के चलते ही ये सपना आज पूरा हो पा रहा है।